हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का वीडियो जैसे कि आप देख सकते हो, एक्सप्लोडिंग किटन्स बहुत ही फनी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट पार्टी गेम है मेरे हिसाब से। टू प्लेयर में ओके ओके टाइप है, इतना मजा नहीं आएगा। तो बेसिकली अगर आप फाइव प्लेयर्स खेलते हो तो ऑसम, बहुत ज्यादा ही टाइम पास, मजे वाला और पार्टी गेम आप बोल सकते हो। आपके घर में फंक्शन है, गेट टूगेदर या फ्रेंड्स है तो आप खेलोगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। ये गेम एक्चुअली है क्या, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बेसिकली एक कार्ड होता है, जो मेन कार्ड है गेम का, जो गेम का नेम भी है, ये एक्सप्लोडिंग किटन। ये कार्ड जिस भी प्लेयर को आ जाता है उठाने पर, वो इस गेम से बाहर हो जाएगा, मतलब तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। दैट मीन वो गेम से बाहर, और बाकी के जो अदर प्लेयर्स है वो गेम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कोई एक प्लेयर वो गेम नहीं जीत जाता है। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि इससे आपको ये वाले जो कार्ड है एक्सप्लोजन कार्ड से आपको बचना है। तो गाइस चलिए देखते हैं इस गेम का सेटअप, इसके कार्ड्स, इसके रूल्स और एक एक एक्सप्लेनेशन। वीडियो को स्किप मत, बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना फिर आपको कार्ड का डिटेल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोडिंग किटन्स। गाइज, गेम का सेटअप कैसे है। सबसे पहला जो इसमें जो मेन कार्ड है एक्सप्लोडिंग कार्ड, वो आपको अलग करना है, और इसी के साथ एक और एक कार्ड है डिफ्यूज कार्ड, जो उसको डिफ्यूज करते हैं। दो कार्ड आपको पहले डेक में से आपको अलग करना है। तो गाइज, पूरे डेक में चार आपको एक्सप्लोडिंग किटन के कार्ड है, क्योंकि ये पांच प्लेयर का गेम है तो उसमें से एक कम होगा, बिकॉज चार आउट हो जाएंगे तो एक ही कोई जीतेगा। तो ये चार कार्ड है, और जो डिफ्यूज कार्ड है टोटल वो है सिक्स। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है गेम, मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये दोनों कार्ड को आपको अलग कर देना डेक में से, उसके बाद में आपको जो रिमेनिंग जो पूरे कार्ड्स है उसको आपको अच्छी तरह से शफल करना है। उन सभी को, चाहे वो दो प्लेयर हो, तीन, चार या पांच, आप सभी को चार चार कार्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गाइज, आप कितने भी प्लेयर खेल रहे हो, आपको जिस तरह से मैंने बताया, आपको फोर फोर कार्ड्स आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद में हर एक प्लेयर को कंपल्सरी एक एक कार्ड आपको देना है डिफ्यूज कार्ड। ठीक है, ये सबके पास में जाएगा। आपको जो मेन कार्ड यहाँ पे फोर कार्ड्स बांटे हैं, वो किसी को आपको दिखाना नहीं है, और बाकी के जो ये दो कार्ड है वो जाएगा इस डेक में। और चार प्लेयर, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो चार प्लेयर है तो सिर्फ तीन कार्ड जाएगा इस डेक में। अगर तीन प्लेयर है तो सिर्फ दो कार्ड जाएगा, और अगर सिर्फ दो प्लेयर खेल रहे तो सिर्फ एक ही कार्ड जाएगा। जितने भी प्लेयर खेल रहे हो उसमें से जो एक्सपर्टिंग किटन का कार्ड है वो एक माइनस होगा, मतलब एक कार्ड कम जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे फोर प्लेयर्स का मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, तो इसमें तीन जो कार्ड है वो जाएंगे इस डेक में, और ये एक जो कार्ड है इसका यूज नहीं, ये जाएगा बॉक्स में, इसकी जरूरत तभी नहीं है। तो बाकी के जो रिमेनिंग कार्ड्स है उसको अच्छी तरह से शफल करना है। तो बेटर है कि एक प्लेयर पीसते रहेगा, तो उसके बिटवीन आपको एक एक कार्ड डालते जाना है, ताकि अच्छी तरह से वो शफल हो जाए, और कोई भी दोनों जो किटन कार्ड है वो साथ में नहीं आना चाहिए। तो गाइज, यही है बेसिक सेटअप। अभी हम देखेंगे एक एक कार्ड, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि फिर आपको कार्ड्स का डिटेल समझ में फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये किटन कार्ड्स, जो एक्सप्लोडिंग किटन कार्ड है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके टर्न में क्या करना होता है, आपको कोई एक्शन करना होता है, उसके बाद में आपको यहाँ से कार्ड ड्रॉ पाइल से उठाना होता है, तभी आपका जो टर्न है वो एंड होगा। सपोज यहाँ पे से मैंने कार्ड उठाई हूँ और मुझे आता है एक्सप्लोडिंग किटन, ये आपको हर एक प्लेयर को दिखाना है। अगर आपको ड्रॉ पाइल पे से अगर आप कार्ड उठाते हो और आपको ये कार्ड आता है, तो आपको सभी प्लेयर को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके पास में एक्सप्लोडिंग किटन आया है। तो इस ये आया है कार्ड, मतलब डैट मीन आप ये गेम से बाहर हो चुके हो, आप हार चुके हो। लेकिन इससे बचने के लिए एक कार्ड है, वो है डिफ्यूज कार्ड, जो स्टार्टिंग में सबको हाथ में प्लेयर को बांटते है, ये है डिफ्यूज कार्ड। तो ये कार्ड मैं यहाँ पे डिस्कार्ड करके, तो मैं जो एक्सप्लोड होने वाली थी उससे मैं बच गई हूँ। लेकिन बचने के बाद मुझे करना क्या है, इसको मैंने ये डिस्कार्ड करना है,
और बाकी जो ये कार्ड है जो मुझे आया था वो मुझे फिर से यहाँ पे डेक में रखना है, तो वो मेरी मर्जी रहेगी कि मैं उसको ऊपर रखती हूँ या मिडल में रखती हूँ या एकदम एंड में रखती हूँ। और जब भी मैं ये कार्ड रख रही हूँ तो मुझे अदर प्लेयर से छुपा कर, आपको ये कार्ड्स को क्या करना है, बैक साइड ले लो आपका, ठीक है, आपके बैक साइड में ले लो, और आपको प्लेयर को बताना नहीं है, पीछे बैक साइड में आपको अच्छी तरह से शफल करके आपको यहाँ पे डेक पे रख देना, और किसी भी प्लेयर को बताना नहीं है कि आपने जो एक्सप्लोडिंग किटन है वो कहाँ पे रखा है। तो ट्राई करना कि वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में रखने के लिए, बिकॉज जब भी प्लेयर यहाँ से ड्रॉ करेगा अगर उसके हाथ में कोई भी एक्शन कार्ड चलने के लिए नहीं है या डिफ्यूज नहीं है तो वो कार्ड उठाएगा एक्सप्लोडिंग किटन का, और उसके पास में अगर डिफ्यूज नहीं है तो वो गेम से बाहर हो जाएगा। तो आपको उसमें थोड़ा सा दिमाग लगना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा कि सामने वाले के पास में कौन सा कार्ड हो सकता है या कौन सा नहीं है। तो ये थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा लक वो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया दो कार्ड्स, एक्सप्लोडिंग किटन एंड डिफ्यूज कार्ड। अब हम दूसरे कार्ड्स देखेंगे। सपोज जो दूसरा प्लेयर है उसने यहाँ पे वो एक्सप्लोडिंग किटन रख चुका है, अभी मेरा टर्न है और ये है मेरे हाथ के कार्ड्स। अब मेरे हाथ के कार्ड में ये कार्ड आता है अटैक कार्ड, कैन सी ये अटैक कार्ड में डालने से क्या होगा, मैंने यहाँ पे डाल दी डिस्कार्ड में। अब इसका यूज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये डालने से क्या होगा कि जब भी ये डालने से क्या होगा कि जो ड्रॉ पाइस में से आपको एक कार्ड उठाना होता है आप वो कार्ड नहीं उठाओगे, और आपके बाद का जो प्लेयर होगा जिसका टर्न होगा आपके बाद में वो दो टर्न खेलेगा, दो ढाई खेलेगा, मतलब उसको ड्रॉ पाइस में से उसको दो कार्ड उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस कार्ड का फायदा, जो किटन आपको आने वाला था उससे मे बी आप बच गए हो। तो जब भी कोई प्लेयर को किटन आया है डिफ्यूज डाला उसके बाद में आप अटैक कार्ड यूज कीजिए तो आप शायद बच जाओगे, और बाजू वाला प्लेयर जो आपका है वो उसको ये उठाना पड़ेगा। अभी किसी प्लेयर ने यहाँ पे अटैक डाला है तो सपोज मुझे यहाँ से दो कार्ड उठाना है, और मैं नहीं चाहती कि दो कार्ड उठाओ क्योंकि उसमें चांस ज्यादा होता है वो किटन कार्ड आने का, ये कार्ड आने का, ठीक है। तो अगर मेरे हाथ में ये स्किप कार्ड है तो उससे क्या होगा कि मेरा जो एक टर्न है वो स्किप हो जाएगा, ये मैं स्किप डाल दूंगी, तो मुझे दो कार्ड के बदले सिर्फ ड्रॉ पाइल्स में से सिर्फ एक ही कार्ड उठाना पड़ेगा, तो मैं ये सिर्फ एक ही उठाऊंगी, दो नहीं उठाऊंगी, तो ये हो गया स्किप। या जनरली भी अगर किसी ने अटैक नहीं भी डाला है, नॉर्मल गेम चल रहा है तो भी आप स्किप डाल सकते हो, तो यहां से आपको ड्रॉ पाइल्स में से कार्ड उठाने का जरूरत नहीं है। तो अभी हम देखेंगे ये शफल कार्ड। अब शफल कार्ड का फायदा क्या है, जिस प्लेयर को एक्सप्लोडिंग किटन आया था उसने जो किटन कार्ड है वो इसमें रख चुका है। अब मुझे पता नहीं कि उसने कहाँ पे रखा है, फर्स्ट में रखा है, सेकंड में रखा है, या कहीं भी रखा है, या लास्ट में रखा है। तो अगर मेरे हाथ में शफल कार्ड है तो मैं इसको यहाँ पे डालूंगी डिस्कार्ड पाइल में, और क्या करूंगी, कोई भी अदर प्लेयर उसको शफल करेगा जब तक कि मैं नो नहीं बोलती हूँ। तो जैसे ही मैंने नो बोल दिया तो उसको मुझे यहाँ पे रखना है, उसके बाद यहाँ से कार्ड उठाऊंगी, तो फिर जो मेरा कार्ड था वो जो किटन का कार्ड था वो कहीं भी अभी पूरे डेक में मिक्स हो चुका है तो मुझे किटन नहीं आया, तो मैं बच गई हूँ, तो मैं ये कार्ड से बच गई हूँ। तो ये है शफल कार्ड का फायदा। तो गाइज नेक्स्ट है सीधा फ्यूचर। इसमें क्या होता है, जैसे आप ये कार्ड डिस्कार्ड करते हो तो यहां से जो ड्रॉ पाइल से उसमें से आप तीन कार्ड देख सकते हो। आपको लाइन वाइज उठाना है, फर्स्ट ये आ गया अंकल जी, दूसरा ओ शिट ये आ गया किटन कार्ड, और तीसरा भी आपको उठाना है ये आ गया रेमबो कार्ड। तो उसके बाद में क्या करना है, देखने के बाद में आपको वही वही पैटर्न में आपको कार्ड वापस से फिर से यहां रखना है। ये जाएगा थर्ड नंबर पे, ये आया था सेकंड पे, और ये आया था फर्स्ट पे, ऐसे फिर से रख देना है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, देखने सीधा फ्यूचर में हम जो तीन कार्ड देखेंगे वो कोई भी प्लेयर को नहीं दिखाना है, हमको सिर्फ चुपके से तीन कार्ड उठाना है और हम लोगों को देखना है क्या तीनों आया, और वही पैटर्न में उसको फिर से रख देना है, ठीक है। ये कार्ड डालने से फायदा क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टर्न और उसके बाद का टर्न और उसके बाद का टर्न में तीन कौन से कार्ड है, तो उसके हिसाब से आप अपना गेम को सेट कर सकते हो कि आपको कौन से जो कार्ड है वो कब और किस लिए यूज करना है, ठीक है। तो ये है इसका बेनिफिट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी आप
एक्शन कार्ड खेलते हो, कोई भी कार्ड प्ले करते हो, लास्ट आपका टर्न कब एंड होगा, आपको जब ड्रॉप पाइल्स पे से आप एक कार्ड उठाओगे, तो सीधा फ्यूचर आपने डाल दिया, कार्ड देख लिए, लेकिन आपको यहाँ से एक कार्ड उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कार्ड गाइज। उसके बाद आता है फेवर कार्ड। फेवर का मतलब क्या होता है, कोई किसी पे एक फेवर कर दे, एहसान कर दे, तो हम ये कार्ड डिस्कार्ड करने के बाद में कोई भी प्लेयर से, जरूरी नहीं कि आपके बाद का जो प्लेयर है वो प्लेयर नहीं, गेम में जितने भी प्लेयर खेल रहे हो, कोई भी प्लेयर से आप बोल सकते हो कि मुझे तेरी मर्जी से कोई भी एक कार्ड दे दे, तो वो प्लेयर क्या करेगा, उसके हाथ में जो भी कार्ड्स होंगे तो वो देखेगा इसमें से जो कार्ड उसको लगता है अनवांटेड है, डिफ्यूज कार्ड तो नहीं देगा ऑब्वियसली, डिफ्यूज कार्ड आपको देना ही नहीं, क्योंकि ये आपको बचाता है किटन कार्ड से, तो वो क्या करेगा, रिटर्न में आपको वापस से फेवर कार्ड दे देगा, या फिर जो जो दूसरा जो कार्ड है ये पावरलेस कार्ड होता है वो आपको दे देगा, तो इसका जरूरत उसको लगता है कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, तो वो कार्ड ये मुझे दे देगा अपनी मर्जी से। तो ये हो गया आपका फेवर कार्ड के बारे में। ठीक है गाइस, गेम में ना ये 5 कार्ड्स है जिन्हें कहते हैं पावरलेस कार्ड, जिसमें कोई पावर नहीं है, अगर वो सिंगल यूज हो रहा है तो कोई पावर नहीं है। पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन से कार्ड है। एक है रेम्बो, रेम्बो कार्ड बोला या रेम्बो कैट कार्ड हम लोग बोलते हैं इसे, उसमें लिखा हुआ है ऑब्वियसली। दूसरा है कैटरमेलन, तीसरा ये हैरी पटेटो कैट, दूसरा है बियर्ड कैट, हम इसे अंकल जी है ये हमारे, और दूसरा है टैको कैट। तो ये 5 कार्ड गाइज ऐसे हैं जिनको आप सिंगल डालकर इसका कोई भी यूज नहीं है, ये अगर सिंगल है तो पावरलेस है, लेकिन जहां पे भी इसकी जो क्वांटिटी है बढ़ जाती है, सेम कार्ड फॉर एग्जांपल आपके पास में कैटरमेलन है और आपके पास में आपने ड्रॉ किया तो वापस से और एक आपको कैटरमेलन के 2 कार्ड हो गए, अगर आपके पास में दोनों सेम कार्ड है तो आप दोनों कार्ड एक साथ में यहाँ पे डिस्कार्ड करके कोई भी अदर प्लेयर से, गेम में कोई भी अदर प्लेयर से एक कार्ड आप स्टील कर सकते हो, तो वो सामने वाला प्लेयर इस तरह से कार्ड रखेगा और आपको बिना देखे उसके हाथ में से एक कार्ड आपको स्टील करना है, तो वो कोई भी कार्ड आ सकता है। सेम चीज अगर आपके पास में सेम कार्ड, ये जैसे कि मैंने 2 का बताया, 2 होंगे, 1 है तो पावरलेस है, 2 है तो स्टील कर सकते हैं। अगर ये कार्ड 3 हो जाता है आपके पास में, अगर आप 3 हो गए तो अब तीनों कार्ड एक साथ आपको डिस्कार्ड करना है और कोई भी प्लेयर से अपनी चॉइस का कार्ड आप मांग सकते हो, तो जनरली जो सब लोग मांगेंगे वो मांगेंगे डिफ्यूज कार्ड। तो अगर मैंने ये प्लेयर से मांगी डिफ्यूज कार्ड, तो अगर इसके हाथ में है तो वो दे देगा, उसको देना ही पड़ेगा, जितने भी उसके हाथ में डिफ्यूज कार्ड होंगे उतने। इन केस अगर मैंने उससे डिफ्यूज कार्ड मांगी और लेकिन उसके हाथ में नहीं है वो कार्ड, तो फिर जो मेरा टर्न है वो वेस्ट हो जाएगा, मेरे जो तीनों कार्ड है वो बेकार हो जाएंगे। तो आपको वो चीज का ध्यान देना है कि कौन से प्लेयर ने कभी डिफ्यूज यूज किया है, उसके पास में कार्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके हिसाब से आपको वो कार्ड मांगना है। ठीक है, अगर आपके हाथ में 5 कार्ड इस तरह से जमा हो जाते हैं जो पावरलेस है, कैटरमैन है, बियर्ड कैट है, हैरी पटेटो कैट है, रेमबो कैट है, टैको कैट है, अगर ये 5 कार्ड आपके पास में जमा हो गए तो आप 5ों को एक साथ में डिस्कार्ड करना है और डिस्कार्ड पाइल में से आप अपनी चॉइस का कोई भी कार्ड ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके में डिफ्यूज कार्ड नहीं है जो आपको किटन से बचा सकता है, तो अगर किसी प्लेयर ने डिफ्यूज कार्ड डिस्कार्ड किया होगा तो आप वो डिफ्यूज कार्ड आप ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका आपका कार्ड। ठीक है, लेकिन ये एक कार्ड लेने के लिए आपको ये 5 अलग अलग पावरलेस जो कार्ड है वो आपको डिस्कार्ड करने पड़ेंगे। गाइस, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप ये 2 कार्ड डालते हो तो आप कोई भी प्लेयर से एक कार्ड स्टील कर सकते हो, सेम ऐसे ही आपके पास में सपोज अगर ये शफल के 2 कार्ड है दोनों सेम कार्ड, तो आप यहाँ पे डिस्कार्ड करके तभी भी आप स्टील कर सकते हो। आपके हाथ में कोई भी कार्ड हो, 2 सेम कार्ड होंगे, तो आप दोनों कार्ड को डालकर आप यहाँ पे किसी से भी आप कोई भी प्लेयर से स्टील कर सकते हो। ठीक है गाइस, पूरे गेम में ये जो कार्ड है नॉप कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस आपको सही टाइम पे यूज करने के लिए समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके हाथ में डिफ्यूज कार्ड है और आपको लगता है कि ये वो स्टील हो जाएगा, या कोई अगर आपको लगता है कि कोई प्लेयर
दो करदार के आपसे स्टील कर लेगा या फिर सीधा फ्यूचर देखकर वो तीन कर देख लेगा। कोई भी एक्शन अगर करता है, कोई भी प्लेयर कोई भी एक्शन करता है, तो आप उसको नॉब बोल सकते हो। सपोज ये दो सेम कार्ड किसी प्लेयर ने डाला और उसने बोला कि उसको स्टील करना है, तो आप तभी भी नॉब डाल सकते हो, तो वो स्टील नहीं करेगा। अगर अटैक डाला है, आपको दो टर्न उठाना है, उसने डाला अटैक, आपके पास में नॉब है तो नॉब डाल दो, ना स्टील कर सकते हैं ना अटैक में आपको, आप तभी भी नॉब कर सकते हो। या फिर कोई भी एक्शन जिस तरह से मैंने आपको बताया था, स्किप, कोई प्लेयर अपने जो टर्न है वो स्किप कर रहा है, तो आप तभी भी नॉब डाल दो, तो वो अपने जो टर्न है वो स्किप नहीं करेगा, उसको यहाँ से एक कार्ड उठाना पड़ेगा। या फिर कोई कार्ड सीधा फ्यूचर डाल रहा है, कोई प्लेयर यहाँ पे सीधा फ्यूचर डाल रहा है, डिस्कार्ड कर रहा है, और वो यहाँ पे फ्यूचर में तीन कार्ड देखना चाहता है, तो तभी भी आप नॉब डाल सकते हो, तो वो फ्यूचर तीन कार्ड नहीं देखेगा। इनकेस अगर आपने ये कार्ड डाला, आपको सीधा फ्यूचर देखना है, और किसी प्लेयर ने डाल दिया नॉब, आपको देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपके हाथ में भी नॉब है, तो आप नॉब पे नॉब डाल सकते हो और उसके नॉब को कैंसिल कर सकते हो, और आप यहाँ से जो आपने जो एक्शन कार्ड डाला था सीधा फ्यूचर का, तो वो आप वो तीन कार्ड देख सकते हो, तो नॉब पे नॉब डाल सकते हो। एक्सेप्ट सब एक्शन के लिए नॉब डाल सकते हो, एक्सेप्ट डिफ्यूज कार्ड। डिफ्यूज कार्ड कब यूज होगा? जब किटन आने पर डिफ्यूज कार्ड यूज करते हैं, तो तभी आपको ऑब्वियसली आपको कंपलसरी नेसेसरी जो भी बोलो आपको ये कार्ड यूज करना होगा, तभी आप गेम में बचेंगे। उसके ऊपर कोई भी नॉब कार्ड नहीं चलेगा। किसी भी प्लेयर को अगर किटन कार्ड आता है तो उसको डिफ्यूज यूज करना, तभी गेम में वो बच जाएगा। आप उसको नॉब डाल के नहीं आउट कर सकते हो, ठीक है? ये नॉब सिर्फ है पूरे एक्शंस के लिए, एक्सेप्ट डिफ्यूज एक्सप्लोडिंग किटन के लिए। तो ये हो गया बेसिक कार्ड्स का डिटेल। तो गाइज आई होप आपको जो कार्ड्स का डिटेल है ना, बहुत अच्छी तरह से मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। फिर भी अगर कुछ भी क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एक छोटा सा ना गेम प्ले हम लोग रखते हैं दो प्लेयर का, ताकि आपको जो छोटे से जो डाउट्स रहेंगे ना डेमो से, आपको शायद वो क्लियर हो जाए, ठीक है? तो फिलहाल अभी जो कार्ड्स है, हम दो प्लेयर का गेम खेल रहे हैं, तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो किटन कार्ड है जो डिफ्यूज कार्ड है फटाफट वो अलग करना है। गाइज दो प्लेयर गेम में सिर्फ एक ही किटन यूज होगा, बाकी सब जाएगा डेक में, ठीक है? सिर्फ एक ही कार्ड यूज होगा, और डिफ्यूज कार्ड वो एक एक तो हम लोग बांटने वाले हैं, ये रहेगा साइड में, और जो एक एक जो सिर्फ दो ही डिफ्यूज कार्ड यूज होगा, और बाकी का जो दो है वो जाएगा यहाँ पे बॉक्स में, उसका जरूरत नहीं है, ठीक है? ये एक एक कार्ड शुरू में ही प्लेयर को दे देना है, ये प्लेयर का और ये मेरा। अभी उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको शफल करके पहले कार्ड बांटेंगे चार चार कार्ड्स, उसके बाद ये दोनों कार्ड इसमें डालेंगे, ठीक है? गाइज अपने कार्ड पूरी तरह से छुपा कर खेलना है, किसी प्लेयर को बताना नहीं है, ठीक है? चार कार्ड मिलेगा अभी के ये जो दो डिफ्यूज कार्ड है और जो किटन कार्ड है वो जाएगा अभी डेक में, और फिर से शफल होएगा। तो फिर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नॉक कार्ड रख रही हूँ, ठीक है? आपको कार्ड्स नहीं दिखाने हैं। तो ये मेरे हैं स्टार्टिंग के पांच कार्ड। तो ये है हमारे कार्ड्स गाइज, आपको दिखाकर नहीं खेला, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको सिर्फ बताने के लिए डेमो है इसलिए। तो गेम स्टार्ट करेंगे, जो यंगेस्ट प्लेयर है वो स्टार्ट करेगा, तो मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है? तुम बाद में। तो सबसे पहले मैं डालूंगी फेवर कार्ड, तो अपनी चॉइस का कोई भी एक कार्ड मुझे दे दो। तो थैंक यू गाइस, एक्शन आप कितना भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी कि मैंने एक फेवर कार्ड डाला अभी मुझे इससे कार्ड उठाना है, मेरा ढाई फिनिश करनी है, नहीं, मेरे पास में दो कार्ड जमा हो गया रेमबो का, तो मैं तुमसे स्टील कर रही हूँ, एक कार्ड चोरी कर रही हूँ। तो वो प्लेयर हाथ में ऐसी तरह से रखेगा और मुझे बिना देखे कार्ड चोरी करना है। ओ स्किप, चलो अच्छा है। तो अभी मुझे और कोई एक्शन नहीं करना है, तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ से एक उठा लूंगी, तो अभी मेरा टर्न फिनिश, अभी वो प्लेयर की बारी। जब उठा लिया तो गेम फिनिश है। जैसे आपने यहाँ से एक कार्ड उठा लिया तो आपका टर्न फिनिश। तो मैं फेवर की बदले ठीक है, मैं सीधा फ्यूचर में तीन कार्ड देखूंगी, एक दो तीन, ओहो सब पोटेटो है, तो फिर से तीन दो एक। अभी मुझे एक्शन नहीं करना, मैं यहाँ से कर उठाऊंगी मेरा
जब आपके पास में करने के लिए एक्शन कुछ नहीं हो तो टेंशन की बात नहीं, आपको सिर्फ वहां से एक कार्ड उठाना है तो आपका टर्न फिनिश। ओह दो दो पोटैटो आ गया, मैं अटैक कर डाल रहा हूं। शिट, अब मैं नॉक डाल रही हूँ। ये प्लेयर ने अटैक डाला, मुझे दो कार्ड उठाना पड़ता था, मैं डाल रही हूँ नॉक। मैं दो कार्ड नहीं उठाऊंगी, मतलब उनके एक्शन को काट रही हूँ मैं जो एक्शन डाला है। समय स्किप डाला। ओहो ये प्लेयर ने स्किप डाल दिया है, तो ये प्लेयर यहाँ से कार्ड नहीं उठाएंगे। अभी मेरा टर्न है, तो मैं दो जो है बाल वाले जो पोटैटो है वो डाल रही हूँ और यहाँ से एक कार्ड चोरी कर रही हूँ। हाँ फिर से वही आ गया। तो अभी मैंने एक कार्ड उठाई, अभी मेरा टर्न फिनिश। सो मेरे पास सीधा फ्यूचर है, सीधा फ्यूचर। ओहो नॉप नॉप नॉप, सीधा फ्यूचर देखने जा रहा था ये प्लेयर, तो मैंने नॉप डाल दी। अभी ये प्लेयर यहाँ से फ्यूचर नहीं देखेगा। तो एक कार्ड उठा, हाँ मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। सेम कार्ड है, हाँ सेम सेम है। ओहो अंकल जी आ गए, मेरे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अटैक कर आ गया। ठीक है मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं सिर्फ यहाँ से कार्ड उठाऊँ। ओह अंकल जी आ गए फिर से, सो मैं अटैक कर डाला। अय्या मेरे पास नॉप नहीं है, तो मैं यहाँ पे उठाने से पहले मैं ये दो अंकल जी को डाल के यहाँ पे मैं कार्ड स्टील कर रही हूँ। ओह मुझे डिफ्यूज आ जाना चाहिए। हाँ शिट, ठीक है मैं ये दो पोटैटो डाल रही हूँ और ये कार्ड स्टील कर रही है। ये प्लेयर के पास एक ही कार्ड बचा, ये प्लेयर का डिफ्यूज कार्ड मुझे आ चुका है। अभी अगर ये प्लेयर को अगर किटन आ जाता है कार्ड तो ये आउट हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगी। अब मुझे एक कार्ड उठाना है और एक कार्ड, दो टर्न है। क्यों अटैक कार्ड है? अच्छा मैंने नॉप नहीं किया था। ओहो ये प्लेयर को और एक ड्रॉप ड्रॉप वाले से और एक डिफ्यूज कार्ड आ गया है, तो ये प्लेयर का चांस ज्यादा है अभी जीतने का। गाइस कोई लिमिट नहीं है, आपके हाथ में कितने भी कार्ड रह सकते हैं। वो तो अभी मुझे दिख रहा है, दिखाकर खेल रहे तब ठीक है, अगर प्लेयर नहीं दिखा के खेलेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्लेयर के पास में कितने कार्ड है। तो मैं डाल रही हूँ ये दो टेको कैट और मैं एक कार्ड चोरी कर रही हूँ। नॉप, शिट वो प्लेयर ने मुझे रोक दिया नॉप, मैं अभी स्टील नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास में नॉप नहीं है। अभी वो प्लेयर ने सीधा फ्यूचर देखा, पता नहीं इसमें किटन का कार्ड है क्या नहीं, तो मैं बैठा रह के मैं शफल कर देती हूँ। यह पूरा डेक खत्म होने आ गया, किटन नहीं है। मैं स्किप कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है किटन आ जाए। शिट शिट एक्सप्लोड, गाइस ये आ गया किटन कार्ड, तो मैं फिलहाल अभी तो बच गई, डिफ्यूज कार्ड डाल के मैं बच गई हूँ। ठीक है मेरे पास डिफ्यूज कार्ड था, अभी मुझे ये कार्ड को इस डेक में, डेक कितना बाकी है, ओ शिट सिर्फ तीन ही कार्ड बाकी है। अब मैं मुझे यहाँ पे रखना है, किधर भी छुपाकर पीछे साइड में लेके जाती हूँ, छुपाकर रखती हूँ। ठीक है मैंने वो कार्ड को इसके बीच में कहीं भी डाल दिया, वो प्लेयर का टर्न है। शफल, शिट अब प्लेयर ने शफल कर दिया है, मुझे डर लग रहा है खेलने के लिए, लेकिन एक कार्ड उठाना पड़ेगा। ओह शिट किटन, ओह शिट, तो मुझे खेलने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं यहां से एक कार्ड उठाऊंगी। अंकल जी आ गए, ये आ गया एक्सप्लोडिंग किटन फिर से मुझे, और मेरे पास में डिफ्यूज कार्ड नहीं है, तो डेट मीन ये गेम में हार चुकी हूँ और जो ये प्लेयर है ये प्लेयर जीत चुका है। तो ये है एक्सप्लोडिंग किटन्स। तो आई होप आपको गेम अच्छा लगा हो यार, अगर गेम अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, उसको लाइक जरूर करना। मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी हम लोग कितने बजे खेल रहे हैं, रात के 1:25, ये रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे, क्योंकि बिल्कुल ना दिन में टाइम नहीं मिला तो हम लोगों को इसलिए रात में शूट कर रहे। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज मेक श्योर लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइज आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलो और कमेंट करो अच्छे अच्छे गेम्स के लिए। और भी बहुत सारे गेम्स अपकमिंग है, जिस तरह से मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।